जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। बदलती लाइफ स्टाइल और अनियमित खान पान की वजह से कई लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में वे स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं या फिर हरी सब्जियों और ताजे फलों का सेवन करते हैं, लेकिन आज हम आपको इन सब से हटकर कुछ ऐसे बीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से गंभीर बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। इसका थोड़ी मात्रा में सेवन करने से ही ये स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे ही बीजों के बारे में जिनका सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर एक, तिल। आपको बता दें कि इसमें कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स आदि काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है, जिसके सेवन से कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि तिल से बना सामान आप खाना शुरू कर दें। नंबर दो, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर जैसे गुण पेट और खून को साफ करते हैं। अब कद्दू के बीज को खाएं तो खाएं कैसे? कद्दू के बीज को आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद सीधे आप छील कर इनको खा सकते हैं। नंबर तीन, अलसी के बीज। इसमें पोटेशियम, प्रोटीन, जिंक, एसिड, फाइबर, लिग्नेन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा ये बुखार, खांसी और जुकाम इत्यादि रोगों से भी बचाता है। नंबर चार, मेथी और कटहल के बीज। इनके सेवन से बुखार, खांसी, उल्टी, बवासीर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचा जा सकता है। हम आपको बता दें कि इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, जिंक और फास्फोरस आदि गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके प्रतिदिन सेवन से हृदय आपका एकदम स्वस्थ रहेगा। आप कहेंगे कि खाएं कैसे, तो मेथी के बीज तो आप किसी भी तरह खा सकते हैं। इतने सारे वीडियो हमने आपको बताए हैं, आप इनको शाम को भिगो दीजिए और सुबह इसके पानी का सेवन कर सकते हैं और आप इसको खा भी सकते हैं। साथ ही जो कटहल के बीज हैं, कटहल के बीज को आप सुखा लीजिए और इनको आप छील कर खा सकते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।